नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एकता सहगल, फाउंडर एंड मेंटोर मानस वेल्थ मदरहुड क्लब हिरो मेंटरिंग एंड बोर्ड मेंबर ऑफ समाचार 24 प्लस। पर आज आप सबके साथ मैं समाचार 24 प्लस की सीनियर एंकर की हैसियत से एक ऐसी शख्सियत से बात करने आई हूं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने इतना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया है, जिन्होंने खुद तो एक ऐसी स्किल को सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस शिक्षा को, उस नॉलेज को अपने तक नहीं रखा और बहुतों को सिखाया। ये अपनी लाइफ में अपने पिताजी से काफी प्रेरित हैं। ये है श्री पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी समाचार 24 प्लस पर। थोड़ा और बताऊंगी आपके बारे में, इससे पहले कि आपसे जानेंगे आपके बारे में। कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, कई लोगों के लिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं जो सत्य हुई हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लोग मानते भी हैं और डरते भी हैं। तो आज जब हम इनसे बात करेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और भी कई चीजें। थोड़ा इंतजार कीजिए, तो बात करते हैं पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे ही आपके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आप अपने बारे में बता सकते हैं वो मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ के भी नहीं बता पाऊंगी। तो थोड़ा अपने बारे में प्लीज बताइए। थैंक यू एकता जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी हियर एंड इनवाइटिंग मी फॉर द शो। अपने बारे में तो क्या बताना है, मुझे तो अपने गुरु को याद करके अपने बारे में कुछ शब्द अपने लिए रखने हैं जी। तो आई एम गोइंग डाउन टू द लोटस फीट ऑफ माई मास्टर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आपसे बात कर। देखिए, मेरी जो अगर मैं स्टार्ट करूं मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी, तो शायद ये बहुत पुरानी है। देखिए, कहा जाता है कि एस्ट्रोलर जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो इस जन्म में नहीं, वो अपने पूरे पुण्य जो है ना पुराने जन्मों से ही कुछ ना कुछ लेके आता है। मेरी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की बचपन से ही शुरू हो गई। माई फादर वॉज ए वेरी राउंड होम्योपैथिक डॉक्टर एंड एस्ट्रोलॉजर, राइट। सो मैं उनके साथ जब वो बोलते थे तो मैं मुश्किल से 7-8 साल का घर में ऐसे उनके बगल में खड़ा रहता था। वो बताते थे लोगों को और मैं सुनता रहता था, देखता रहता था, यू नो, बहुत छोटी उम्र से, 5-6 साल की उम्र से ही कह लीजिए, राइट। समझता रहता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वो हस्तरेखा देखते थे और कुछ कैलकुलेशंस करते थे, और उनकी भविष्यवाणियाँ तो इतनी परफेक्ट होती थी, मेरे को लगता है मैं उनका बहुत छोटा सा अंश भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इवन 5% ऑफ वॉट ही वॉज, यू नो। सो बहुत इंटरेस्ट बचपन से ही रहा, बट इसका असली श्रेय मेरे ज्योतिष में और आने का पूरा श्रेय मैं कहता हूँ गुरुदेव श्री रविशंकर जी को है, क्योंकि इन्होंने मुझसे बहुत साल पहले बोला कि ज्योतिष पढ़ाओ, ज्योतिष पढ़ाओ। तो और उसके बाद मैंने इसको एक्चुअली, क्योंकि पढ़ाना प्रिडिक्शन एक अलग कला है। देखिए, प्रिडिक्शन तो मैंने अपनी पहली प्रिडिक्शन 9 साल की उम्र में की थी और वो भी परफेक्ट की थी। जो तो मैं थोड़ा सा हिल गया, मैंने कहा अरे ये ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल जो बोलो वैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा भय भी लगा डेफिनेटली, और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, आश्चर्य बहुत हुआ, भय भी हुआ कि कैसा है, पर करते रहे, इंटरेस्ट था तो करते रहे, सीखते रहे, और प्रिडिक्शन पहले भी करते थे। बट प्रिडिक्शन करना और पढ़ाना, किसी को बताना, किसी को ट्रेन करना, वो बहुत ही डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर। सो गुरुदेव ने बोला और मैंने शुरू कर दी अपनी जर्नी। मैं भारतीय विद्यावन में गया, पढ़ा, फिर मैंने बहुत सारी पद्धतियाँ सीखी, बहुत सारे टीचर्स से मिला, बहुत सारे प्रोफेसर से मिला, बात की, बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं उसमें, बट और वो बिना गुरु कृपा के देखिए विद्या नहीं आती। तो सारे गुरुओं की कृपा से और
आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा, मैं सीखता गया और फिर मैंने प्रेडिक्शन चालू की. यू नो, मैं ट्विटर पर प्रेडिक्शन करता हूँ, संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो मेरा हैंडल है. और मालिक की ऐसी दया हुई कि प्रेडिक्शन एक के बाद बिल्कुल परफेक्ट. तो अभी भी अगर कोई मेरा रिकॉर्ड देखे तो 95-97% प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती हैं. मतलब इतनी सारी प्रेडिक्शन है और ये कोई मेरा नहीं है, ये मैं सॉरी टू से मेरा नहीं, ये सिर्फ गुरुदेव का ग्रेस है. बिना ग्रेस के प्रेडिक्शन, चाहे आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, बिना ग्रेस के प्रेडिक्शन इतनी परफेक्ट नहीं आती कि हमने आज तक सुना ही नहीं. इट्स अनबिलीवेबल फॉर माई सेल्फ एज वेल, यू नो. पर ये समझ में आता है कि डेफिनेटली ये बिना ग्रेस के नहीं हो सकता, क्योंकि इतने एक तो प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप मुंडे, इन पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, यू नो, कोरोना पे कर रहे हैं, राम मंदिर पे कर रहे हैं, इतनी सारी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. ऊपर से आप लोगों के जीवन की भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. लोगों के जीवन में वेरियस इवेंट्स होते हैं, जैसे गुरुदेव बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज ए GPS ऑफ लाइफ, राइट. तो भाई लाइफ की GPS के लिए हमें जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम गूगल मैप का यूज करते हैं, राइट. तो हम भाई कैसे जाना है, कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, ये शॉर्ट है, ये अच्छा है, सब चीजें. तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को हम यूज करते हैं एज ए टूल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल. तो इस टूल का यूज करना ही, तो बस जब लाइफ में वेरियस इवेंट्स होते हैं ना, जैसे शादी है, मैरिज हो गई, चिल्ड्रन हो गए, जॉब हो गई, यू नो, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप्स और इश्यूज हो गए, तो सबकी इतनी वर्ल्ड ओवर आई एम प्रेडिक्टिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड मैंने देखा है कि एकदम परफेक्ट बैठता है. एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन जो है ना, डेट वाइज भी आती है कैलकुलेशन, डेट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज ऐसे कैलकुलेशन आती है, तो वो बिना ग्रेस के हो नहीं सकता. एकता जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने. एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एंड दिस हैज बीन इंट्रीगिंग माय माइंड दैट यू आर एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड यू वर्कड इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड फॉर मेनी इयर्स एंड यू बीन understanding, comprehending and studying astrology and even tutoring, mentoring, coaching so many people world over in astrology by the blessings of Sri Sri Ravi Shankar Ji. Yes. How come the shift from a management professional to an astrologer? Absolutely, to software engineer, to management professional and to astrologer, yes. I think it's a grace and flow. You know, whatever comes, I was just flowing in the life, you know. I think the best thing what, you know, saint and people say, just flow in the life. It was never planned to become a full-time astrologer, you know. I was working with Ericsson Global. I was heading the, you know, taking care of the one division, you know, the business. I was used to travel for business across world. But this shift, you know, automatically, I think it's just flowing, you know. So I just flow, whatever comes to me, and I was just keep flowing and it was keep happening. I would just say it was happening basically. It was not in my hand to choose something. It was, I think, his blessings. You know, his blessings which keep on guiding me and I was keep on flowing. So it just happened basically, you know. Wonderful. So jitne bhi log hume is waqt sun rahe hain ya baad mein is vartalap ko sunenge, जरूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में निपुण हो सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप कई ऐसी कलाएं सीख सकते हैं जो आपके पर्सपेक्टिव को, आपकी जिंदगी को बदल सकता है. क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वो एक पानी की एक, इट्स लाइक अ रिवर, यू नो, यू नीड टू कीप फ्लोइंग, यू नीड टू कीप डिपिंग इन टू इट, टू कीप एडिंग दोज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज टू योर सेल्फ. एंड शायद पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी ने भी वही किया है कि जैसे जैसे वो नदी बहती गई वैसे वैसे वो चलते रहे. एंड ऑफकोर्स उनके पिताजी का काफी रोल है जिनको देखते हुए वो इस कला को, इस ज्ञान को सीख पाए हैं. तो संजीव जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास भी होता है और भय भी होता है जी. और कई बार ऐसा खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने अगर जन्म पत्री देखी तो डरा दिया ये कह के कि जी आप तो मांगलिक हैं. बिल्कुल सही. तो अब अगर आप मांगलिक हैं उसके साथ और भी कई चीजें बता दी जो एक लेमैन को नहीं समझ में आता, उसको सिर्फ वो बेसिक कीवर्ड्स पिक करके आप एक उसका निष्कर्ष निकालते हैं. पहली चीज तो मैं ये समझना चाहूंगी कि
एस्ट्रोलॉजी क्या है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत बढ़िया, और ये जो सब टर्म्स होते हैं इसके अंदर, इसको हम कैसे एक सिंपल भाषा में इंटरप्रेट कर सकते हैं? बहुत सुंदर बोला एकता जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपने. यू नो, जैसे गुरुदेव कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज ए जीपीएस ऑफ लाइफ, तो मैं भी उसको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, इज ए टूल. सी, हम लोग इतने सारे फाइनेंशियल टूल यूज करते हैं फॉर आर इन्वेस्टमेंट, फॉर आर यू नो वेल बीइंग, फॉर आर यू नो फॉर आवर डाइट. अगर हम एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, डेफिनेटली हम देखिए एस्ट्रोलॉजी किस पे बेस्ड है, टाइमलाइन बेस्ड है. किसकी टाइमलाइंस है? प्लैनेट्स की टाइमलाइंस है जी. वॉट एवर इज द टाइमलाइंस ऑफ द प्लैनेट, यू नो टाइमलाइंस, जैसे मैं कहता हूँ तीन तरह में डिविजन्स में डिवाइडेड है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा. ठीक है, महादशा टेल्स यू द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, अंतर एंड प्रत्यंतर टेल्स यू व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ राइट नाउ, राइट. तो इस टाइमलाइन का और जैसी जो एनर्जीज होती है प्लैनेट्स की, डायरेक्टली इंपैक्ट होता है आपकी लाइफ पे. जैसी टाइमलाइंस होती हैं, जैसी एनर्जीज होती हैं, वैसा ही आपकी लाइफ में चल रहा होता है. एग्जैक्टली, मतलब आप सही, डेट बाय डेट और मंथ बाय मंथ चल रहा होता है. हमने तो ऐसे ही देखा है, और इतने लाखों हॉरोस्कोप देख लिए अभी, तो इतने देखते हैं कि यार इतना मैच करता है कि लगता है एवरीथिंग इज लाइक यू नो फिक्स्ड, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री विल एंड डेस्टिनी. यू नो हमारे में बहुत चर्चा होती थी ये सब चीजों की एस्ट्रोलॉजर्स में, तो कुछ फ्री विल है, कुछ डेस्टिनी है. बट एस्ट्रोलॉजी को अगर आप एज ए जीपीएस यूज करते हैं तो आपकी लाइफ पे बहुत बढ़ा होता है. दूसरा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आई वुड से 90-95% ऑफ द लोग जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो कि पॉपुलर भी है. पर उसकी प्रेडिक्शंस ना, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे, मेरे वर्ड नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे, वो बोलेंगे जो एक्यूरेसी क्या है, 50-60%. 60% कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, बहुत ही प्रकांड होगा, तो 60-65 ऐसे करके जाएगा. इससे ऊपर बहुत मुश्किल होता है, अनलेस अंटिल दे आर यूजिंग नाड़ी. नाड़ी से डेफिनेटली जा सकते हैं. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी जो है वो 90% से नीचे नहीं होती. इतना एक्यूरेट होता है, डेफिनेटली नीड्स ग्रेसेस एंड ब्लेसिंग्स, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है. बट इस क्यों? क्योंकि इट गोज मच डीपर. वैदिक में हम प्लैनेट है, हाउसेज है, राशिज है, एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, डिग्री, ये सब करते हैं. तो नाड़ी में ये सब चीजें तो हम देखते ही हैं, उसके अलावा नक्षत्रों पे जाते हैं, नक्षत्र लॉर्ड्स पे जाते हैं. इट्स मच डीपर, थ्री लेवल डाउन. देखिए प्लैनेट जो बोलता है वो हो ना हो, पर नक्षत्र और उसका लॉर्ड जो बोलता है ना, वो जरूर होता है, वो 99.99% होता है, इतना श्योर है. तो इसलिए हम लोग डेट वाइज भी, मेरी कई प्रेडिक्शंस हैं वो डेट वाइज आई हैं, मतलब इस डेट को बोला है तो इस डेट को हुआ है, वो लोगों की लाइफ में भी हुआ है, और वो जनरल मंडेन प्रेडिक्शंस में भी, मंडेन प्रेडिक्शंस में भी हुआ है कि देश, कंट्री, किसी के बारे में बोला है. तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज सो एक्यूरेट, सो प्रिसाइज. ठीक है, फिर जहां तक बात आती है कि भ्रम फैलाने वाली बात की, ठीक है, भ्रम जो है या फिर डर जिसे कहते हैं, ठीक है, कई बार एस्ट्रोलॉजी में कुछ डर भी आ जाता है, तो डर कुछ जायज होता है, कुछ नॉट सो गुड, मतलब कुछ जायज होता है, कुछ सही भी नहीं होता. कई बार आपका पर्सनल मोटिव होता है, यू नो, और डिपेंड करता है. इसलिए यू नो गुरुदेव के आशीर्वाद से और मेरा एक मिशन बना है लाइफ का, कि आई वॉन्ट एवरी होम टू बी वन एस्ट्रोलॉजर, एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर. हर जगह लाइफ में भाई एक दो घर में अंदर कोई ना कोई ज्योतिष जानने वाला होना चाहिए, ताकि आपको कोई बहका ना सके. मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं इधर उधर घूम के और उपाय में और रेमेडी में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. तो डर और भय ही वो कराता है, या फिर उन्होंने खर्च कर दिए, या देख दिए, या इधर कर दिए, उधर कर दिए. तो ऐसे जहां पर्सनल मोटिव हो, उन ज्योतिषों से, उन चीजों से हमें बचना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा है ड्रॉबैक, पर ये मैं कहूंगा हर प्रोफेशन में है एकता जी. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रोफेशन में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉयर प्रोफेशन में ही, हर प्रोफेशन का ड्रॉबैक है. जहां चीजें, जहां आपका इंटरेक्शन पब्लिक से होता है, वहां अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो जाए, ये प्रोफेशन है सेवा भाव के लिए, पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए तो आदमी ग्रीडी हो ही जाता है. भाई पंच तत्वों का बना है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है. ठीक है, तो अब जहां बात है कि भाई, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही एडवाइस मिले.
करेक्ट एडवाइस मिले, किसी तरह का भय ना मिले। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ गलत भी लिखा है तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, भाई ठीक है ये कुछ दिखता है पर आप ये उपाय कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी बिना उपाय के नहीं होती। देखिए तीर आपको लगना है पर तीर आपके माथे पे लगे या टोपी पे लगे, ठीक है फर्क है ना। तो उपाय से वो टोपी पे लगता है, तीर लगा पर टोपी पे लगा, आप बच गए। तो ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपका, जिसे कहते हैं ना, जो कर्मा है वो भी आया, निकल भी गया और आप भी सेफ रहे। हाथ कटना है तो थोड़ा सा जिसे कट करके छूट गया। अब बात रही कि हम एस्ट्रोलॉजी को जो कहते हैं ना कि आगे सिखाने या बढ़ाने का, तो मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, पूरी दुनिया में सिखाता हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। 6 महीने का ऐसा कोर्स होता है जिसमें आदमी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करने लग जाता है। अच्छा बात ये आए कि भाई मंगल दोष है, जैसे क्या बोलते हैं हम, 6 हाउसेज में अगर आदमी का मंगल है तो बोलते हैं ये मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक से ही होगी। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट द राइट तरीका। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना लाइफ में, रिलेशनशिप में होती है चीजों में, सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो मानव के लिए ना, फाइनेंस भी सेकंड नंबर पे आता मैं कहता हूँ, सबसे ज्यादा इश्यूज जो कंसर्न्स होते हैं ह्यूमन को, वो होते हैं रिलेशनशिप में, चाहे वो बिफोर मैरिज हो, आफ्टर मैरिज हो, पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैच मेकिंग। मैच मेकिंग में हम बोलते हैं 28 गुना मिल गए, 32 गुना मिल गए, बहुत अच्छी शादी, पर ऐसा नहीं होता। गुना हैज ए वैल्यू ऑफ ओनली 5%। ये मैं 10-15 साल से कह रहा हूँ, पर कोई तब मानता नहीं था, सोचता था अरे ऐसे ही भूल रहे हैं पंडित जी, ठीक है। अब लोग रियलाइज करते हैं, अब अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी रिकनाइज करते हैं गुना का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने देखा कि 32 गुण वाले का भी डाइवोर्स हो गया, 28 गुण वाले की शायद डाइवोर्स हो गया, 12 गुण वाले की शादी चल गई, तो अब लोग रियलाइज करते हैं। तो हम बोलते हैं ये दिस इज बिकॉज ऑफ स्पाउस एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। एक स्पाउस एनर्जी होती है जिससे बॉन्डिंग अच्छी बनती है, एक सेपरेशन जो आपको दूर ले जाता है कपल से। तो वो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से देख लेते हैं, मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो मैच मेकिंग है वो आप समझिए 95-99% एक्यूरेट होती है, बहुत अच्छी होती है। पता लग जाता है चार्ट देखते हैं कि भाई इनका मैच अच्छा है नहीं मैच अच्छा है। अब उसमें आ जाता है मांगलिक दोष। तो मंगल ऐसे कि भाई मंगल इन 1, 2, 4, 6, 8, 12 में है, तो 1, 2, 4, 7, 8, 12, 6 घर में है तो वो मांगलिक हो गया, उसकी शादी मंगल से ही हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। वैसे भी 28 साल के बाद बोला जाता है मंगल का असर कम हो जाता है, पर मंगल में अगर 2, 7, 11 एनर्जी है तो वो ऑब्वियसली आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा, आपको नहीं समझ में आएगी, लेमैन आदमी को नहीं समझ में आएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट बता देगा कि भाई ये आपके लिए मैच अच्छा है नहीं। तो मांगलिक दोष ऐसा होता नहीं है, ये ये बहुत भ्रांति है मैं कहूँगा कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। आपने 50% प्रपोजल तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए। गलत तरीका है, वैसे नहीं देखना चाहिए और गुना से भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये आपकी भाई लाइफ की बात है, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पूरा पूछें क्या है, एनर्जीज के बारे में पूछें, और तब डिसाइड करें कि भाई ये आपके लिए मैच अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट हमारे साथ शेयर किया और हमारे सारे दर्शकों के साथ भी, कि मैच मेकिंग जब करते हैं वो सिर्फ गुण नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि पार्डन माय मे बी आई हैव लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस, बट कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि श्री राम और सीता मैया के बहुत सारे गुण मिले थे, तो लोग कहते हैं कि अगर इतने ज्यादा गुण भी मिल जाएंगे तो सब देवी देवता बन जाएंगे, तो वो भी हम नहीं होना चाहते हैं। तो आपने सही कहा, और आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट कि लोग ये समझने की कोशिश करें कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो कुछ चीजें तो तय होती हैं हमारी जिंदगी में जी, और लेकिन कुछ प्रतिशत जिंदगी का जो हिस्सा होता है वो भगवान भी कहते हैं कि दिस इज योर फ्री विल टू डू व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू शेप योर लाइफ। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं वो जो फियर है वो शायद इसलिए भी है कि लोग वो फ्री विल को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, एंड फिर वो ब्लेम आ जाता है कि जी क्योंकि मेरी पत्री में ऐसे लिखा है या मेरे एस्ट्रोलॉजी वगैरह में लिखा है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बात की मैच मेकिंग की, और जब हम पत्री देखते हैं एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो टाइम ऑफ बर्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, एब्सोल्युटली। नाउ मेनी अ टाइम्स एंड इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न राइट, उसमें कुछ सेकेंड्स का फर्क होता है राइट, बिकॉज फर्स्ट द हेड कम्स आउट एंड देन ग्रेजुअली द बेबी कम्स आउट, तो एग्जैक्ट टाइम का अगर नहीं पता हो या टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जब हम टाइम देते हैं
तो इट्स ओनली द आवर एंड द मिनट. यस यस. सेकेंड्स नहीं पता होते, विच इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाता है एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट द यू नो द काइंड ऑफ द एनालिसिस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पत्री. बहुत अच्छा क्वेश्चन, अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सी द टाइम प्लेज एवरीथिंग. टाइम इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कुंडली ऑफ द पत्री. सी फ्यू सेकेंड्स हियर एंड देयर मे नॉट गिव यू मच ऑफ अ डिफरेंस. टाइम अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेकेंड्स में अगर इधर उधर है तो ठीक है, पर मिनट में कई बार एक दो मिनट भी बहुत सारी पोजिशनिंग और स्टार्स हिला देता है. ठीक है, और यू नो कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो सेकेंड्स में भी हो जाता है, बट आई वुड से कि मिनट में कई बार 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ चेंज नहीं आता है, कई बार 1-2 मिनट में भी बहुत चेंज आ जाता है. ठीक है, तो टाइम अगर किसी का करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करना जरूरी है. ठीक है, तो अगर किसी भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर में आ जाएंगे, स्पेशली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना टाइम करेक्ट करना बहुत बहुत ही परफेक्शन में आ जाता है, बहुत ही परफेक्शन में. क्योंकि क्या होता है, आपके एक एक इवेंट जो है ना वो बंधे होते हैं एक तरह से देखा जाए. जैसे कि सपोज आपको कोई जॉब आपने ज्वाइन की, कोई जॉब आपने रिजाइन की, कहीं आप विदेश ट्रैवल गए, कहीं आप बीमार पड़े, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एक एक डेट वाइज फिक्स होता है. मतलब आप ये समझ लीजिए इतना परफेक्ट होता है. एंड आई हैव डन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रेडिक्शंस वेयर डेट वाइज की इस डेट में बंदा अंदर गया हॉस्पिटल में और इस डेट में बाहर आ जाएगा, इस डेट में क्योर हो जाएगा. इट्स लाइक द डेट वाइज, यू नो, बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. मतलब एक दो की बात. इवेंट्स ऑफ लाइफ बहुत लोगों के टाइम हमने करेक्ट किए हैं, पर अगर किसी को टाइम बिल्कुल ही नहीं पता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है. अगर जैसे किसी को पता है कि मॉर्निंग का है 5 से 7 है या 7 से 9 है, कुछ ऐसे 1-2 घंटा पता है या 7-7.5 पता है या 7:20-7:25 के बीच में कुछ होगा तो परफेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत. पर पूरे दिन में अगर बोले कि मुझे टाइम ही नहीं पता और फिर बोले जी मुझे डेट भी नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है, फिर बहुत बहुत मुश्किल है. और स्पेशली टाइम में जी मेरे को पता ही नहीं सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुआ. कोशिश करी जा सकती है उसमें, यू नो कुछ चीजें होती हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, नॉट एन ईजी. हमने किया है कि कुछ लोगों का बिल्कुल टाइम पता ही नहीं है. ठीक है, तो उसने भी राइट टाइम निकाल दिया. वो कैसे पता राइट टाइम कि भाई पास्ट इवेंट भी एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं और फ्यूचर जब आए तो वो भी ठीक हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं. तो उसमें पता लग जाए, प्रूफ मिल जाता है बेसिकली. बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सैक्ट. अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है ना तो परफेक्शन निकल जाता है. पर इसके अलावा एक था जी कि अगर किसी को अपना डेट भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता या टाइम का, तो इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं तो टेक्नोलॉजी बोलता हूँ. एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं हम प्रश्न कुंडली. उसमें अगर कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरा सपोज मेरी जॉब कब लगेगी या मेरी शादी कब होगी, तो वो एग्जैक्टली बता देता. मतलब प्रश्न की एक्यूरेसी भी मैंने मतलब 99% देखी है, अभी तक तो अनुभव यही रहा है. ठीक है, मैंने अगर कुछ गलती कर दी होगी तो रीडिंग में कर दी होगी 1-2%, पर मेरा यही रहा है कि 99% रहा है. मतलब 1-2% कर सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि जैसे मैं ट्विटर पे भी ट्वीट करता हूँ तो समझ लीजिए 2-3% इधर उधर होता है, बाकी प्रेडिक्शन सही होती है. और जो गलत होती है उसमें मेरे को लगता है शायद मैंने कहीं कुछ ना, कभी कभार हो जाता है. तो हाँ, तो बेसिकली बात यह है कि प्रश्न से फिर आप पता लगा सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पता और वो एग्जैक्टली निकलता है. So that is how it is. So, you know, when I was teaching, in my last class, I was teaching the student, you know, the prashna, ki kaise karte hain, kya karte hain. Aur hamare ek student hai, unhone turant apply kiya ki bhai unki beti jo hai kal, jeetegi, nahi jeetegi. And she predicted perfectly. Din mein sikh gayi wo. और उन्होंने देखा कि जीत गई, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने आज छोड़ देते हैं, आज नहीं जाते. पर उन्होंने क्योंकि प्रश्न में देखा था कि वो जीतेगी कॉम्पिटिशन, और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था, इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन था, उन्होंने देखा कि वो जीतेगी तो उसको पकड़ के किसी तरह थोड़ा सा सही मोटिवेट करके ले गई. वो आलस कर रही थी, थोड़ा सा हल्का हल्का तबियत ऊपर नीचे था, एंड शी केम फर्स्ट. वंडरफुल क्यूरियोसिटी और है कि एक ही टाइम पे, एक ही डेट पे जी, और एक ही जगह पे बहुत सारे बच्चे बॉर्न होते हैं जी, जी, जी. पर सबकी जो पत्रियां होती हैं अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्यों होता है जी, जी. देखिए जहां तक बात है जुड़वा की, तो जुड़वा तो अभी भी ज्योतिष में एक रहस्य बना हुआ है, मैं तो ये कहूंगा. ठीक है, ऑल्दो आई हैव सम
टेक्नोलॉजी आई वुड से, कि मैं उससे डिफरेंट पता कर लेता हूँ कि भाई अगर ये जुड़वा भी है तो यू नो इनका अलग अलग कैसे चलेगा, यू नो अलग अलग जो है इनकी इनका लाइफ पैटर्न क्या रहेगा, इनका लाइफ में कैसे बनेंगे। बट अगर आप कहें कि जुड़वा की पत्री तो सेम होती है तो क्या लाइफ भी सेम रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ एक मैं कहूँगा यहाँ एक सीक्रेट है जो कि सबको नहीं पता कि कैसे जुड़वा का एक टाइम में भी दूसरा एक दूसरे की लाइफ इतनी डिफरेंट कैसे है, नेचर भी डिफरेंट है, स्टाइल भी डिफरेंट है, हाइट वेट भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, ये सब चीज़ें होती है और हमने देखी हैं ऐसी बहुत सारी केसेस। बट देन वी एबल टू फिगर आउट कि हाँ इसकी लाइफ में ये होगा, इसकी लाइफ में ये होगा, बट दैट इज अ सीक्रेट, नॉर्मली नहीं पता चलता अगर आप देखें तो, ठीक है। और बाकी जैसे एक ही टाइम में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं एक ही डेट पे एक ही टाइम में, पर वो कई बार प्लेसेस अलग अलग होती है ना, तो फिर प्लेसेस के हिसाब से कोई दिल्ली में पैदा हो रहा है, कोई यू नो कोई राजस्थान में पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, तो लैटिट्यूड के हिसाब से उसकी सब प्लैनेट्स की पोजीशंस वगैरह चेंज होती हैं। जी ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कहिए। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि बस ये जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, देखिए एक तो जन्म का सीक्रेट, जैसे जन्म जब होता है ना तो हम कहते हैं लाइफ स्टार्ट कब होती है, लाइफ स्टार्ट होती है जैसे ही बंदे ने सांस ली, और लाइफ गई कब, जब सांस छोड़ दी, आखिरी सांस निकल गई। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि बच्चे होने का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आता है, फिर सारा चीजें होती हैं, तो उसमें टाइम क्या लिया जाएगा। मेरे हिसाब से जो मेरी जितनी भी थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं कहता हूँ जब सांस लेते हैं तो लाइफ स्टार्ट होती है, तो जैसे ही फर्स्ट सांस ली दैट इज अ बर्थ टाइम बेसिकली, यू नो राइट। और मिनट तक भी एक्यूरेट है तो ठीक है चलेगा, सेकेंड्स में नहीं भी है तो भी चलेगा, यू विल बी एबल टू फिगर आउट। और जन्म और मरण दो चीज सीक्रेट्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि कब जो है जो लेडी है वो कंसीव करेगी, बच्चा कब आ जाएगा, वो हम परफेक्टली प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट डिलीवरी कब होगी इसके भी तरीके हैं, इसकी भी चीजें हैं, पता लग जाती है, बट आई लाइक टू कीप दिस सीक्रेट बेसिकली, यू नो। एंड डेथ भी सीक्रेट होना चाहिए तो वो भी सीक्रेट ही रखते हैं। जी बिल्कुल, नहीं तो उससे फिर कहना यू स्टार्ट एंटीसिपेटिंग कि ये चीज अब होने वाली है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फिर कहेंगे कि भी जीने के क्या जरूरत है, यू नो खैर वो इवेंचुअलिटी तो हम सभी जानते हैं, एक ना एक दिन तो वो सत्य को हम यू नो वी कांट इग्नोर दैट रियलिटी। आपने ट्विटर पे जैसा कि कहा और मैंने देखा भी है कि आपने कई सारी प्रेडिक्शंस की हैं विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिक्स, कोरोना एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जाहिर है कि एक सवाल आएगा ही आएगा आपसे पूछने के लिए कि कोरोना जो है वो अभी भी मंडरा ही रहा है हम सबकी लाइफ के इर्द गिर्द, तो कब जाएंगे ये हमारी जिंदगी से बाहर, जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना परेशान करेंगे? मैं बताता हूँ, देखिए क्या है कि कोरोना जब आया था मैंने फर्स्ट देखा था इसका चार्ट जो है ना प्रश्न से निकाला था जनवरी 2020 में, और मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मुझे करीब एक महीना लगा कि इसका ये इम्पैक्ट होगा क्या, ये वर्ल्ड ओवर फैलेगा, मतलब एक महीने में कुछ बोल ही नहीं पाया इस चार्ट के बारे में, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी वॉर दिख रही है, यू नो ये वॉर हो रही है, और ये एक्चुअली वॉर थी, वायरस वॉर थी बेसिकली अगर देखा जाए तो। पर कुछ टाइम बाद मुझे समझ, मतलब मेरे को एक महीना लगा, पर जब मैंने देखा कि यार ये तो हो रहा है, फिर मैंने बताया भी लोगों को बताया, फिर मैंने ट्वीट भी किया मई 2020 में कि यार ये तो बहुत लंबा चलेगा। और एकता जी उस टाइम में किसी भी एस्ट्रोलॉजर, मेरे को लगता वर्ल्ड में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये जज किया होगा कि ये 2 साल तक चलेगा, मई 2020 की बात बता रहा हूँ, और मैं तो मार्च अप्रैल मई में ही निकाल लिया था कि भाई ये बहुत लंबा चलेगा और बहुत ज़्यादा परेशान करेगा लोगों को। तो मैंने ट्वीट किया था कि भाई अप्रैल जून 2022 के बाद ये कम हो जाएगा, अगर आप देखें भी तो अभी चल रहा है बट इतना नहीं है, इतना नहीं। जैसे वेव आई थी लास्ट, जैसे अभी जो पिछली वेव आई थी जान फेब में जब आई थी, तो मैंने लिखा था यार ये आएगी, ये प्रॉब्लम होगी अभी बेसिकली थोड़े रहेगा, बट मैंने ये भी लिखा था कि जून के बाद जो है ना इसका ऐसी रह जाएगा जैसे डेंगू वेंगू थे ना, आए थे चले गए, पहले बहुत हवा बना फिर ये सब हुआ, तो ये नॉर्मल लेवल पे रहेगा, इसमें कोई इतनी तकलीफ वाली बात नहीं है, ये एक पैंडेमिक वाला जो शेप है वो छोड़ देगा। आई एम श्योर कि अभी से लेकर अगस्त तक में बहुत चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ मास्क लोग पहनना हो सकता है इस साल में शुरू, इस साल के एंड तक करें, बट मुझे लगता है 2-3 महीने में सितंबर अक्टूबर तक मास्क का भी प्रचलन चला जाएगा, बट इट्स गुड टू वेयर फॉर दिस थिंग, यू नो प्रिकॉशंस वगैरह वगैरह, बट इस साल में मास्क का भी जो मैंडेटरी वाली चीजें हैं वो सब हट जाएंगी, अभी काफी जगह हट गई हैं और भी ठीक है। तो कोरोना अब ज्यादा नहीं है, बट एक नई चीज जो मैं आपके यहाँ बताना चाहूंगा
कि एक नया वायरस या नया प्रॉब्लम जरूर आने वाला है। मेरा पर्पस डराना नहीं है बट प्रिकॉशन रखना है, और वो मुझे 2024 और 26 के बीच में दिखता है, बिगिन विद 2024। और उसमें जो है कमेंट्स भी आया है मिस्टर गेट्स का, तो वो उनको ऑलरेडी कई बार पता होता है, मेरे को लगता है वो भी शायद कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या फिर रिसर्च, तो सी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ डीप रिसर्च सब्जेक्ट ऑफ डीप रिसर्च, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उनका कॉमेंट भी आया और मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि एक नया वायरस जबकि या एक कह लीजिए कि उसमें ऐसी पावर है कि वो और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे, मैं डेफिनेटली इसके बारे में और ट्वीट करूँगा, मैंने अभी किया नहीं है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग ऑन योर चैनल, तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो शायद बहुत ज़्यादा करे, वो शायद इससे भी ज़्यादा करेंगे, इट्स अनदर वॉर, क्योंकि देखिए आगे जो वॉर होंगी ना वो ये रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है वो तो ठीक है, पर आगे जो बड़ी लेवल की वॉर होगी वो वायरस वॉर ही होगी, वो ये एटॉमिक और न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली, वो वायरस वॉर होगी, ठीक है, जिसमें आदमी भी या जो भी जो जिसको जहां डैमेज करना है इमोशनली फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो आप कर पाए, प्लस आपके पास जो चीजें हैं वो भी रहे, यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, न्यूक्लियर वॉर में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हजारों हजारों साल तक खत्म हो जाता है वो चीजें, राइट, ना जमीन रहती है ना कुछ वो रहने लायक होता है, तो आगे वायरस वॉर्स आएंगी, ठीक है, ये एक मुझे दिखता है, काफी क्लियर दिखता है, और उसके बारे में मैं डेफिनेटली आगे ट्वीट करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा। तो जितने भी लोग हमें सुनेंगे या सुन रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल ऑन योर इम्यून सिस्टम एंड यू नो वैल्यू द रिलेशनशिप्स एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव इन लाइफ, and we all should be together always to fight any such virus wars that impacts be it us or anywhere in the world. Absolutely. Thank you for that heads up on this, Panditji. नहीं, बहुत सही बोला आपने, जो बोला ना together and immune system, see yoga, sadhana, dhyan, ये बहुत important. This is very important for your immune system. If you really want to have your good immune system, देखिए अच्छा खाना पीना तो एक बात है वो तो सब ठीक है, पर साधना होनी चाहिए आपका, मेडिटेशन, योगा, ध्यान, दिस रियली बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, ऑफ टुगेदरनेस, यू नो बॉन्डिंग, यू नो वैल्यूइंग द रिलेशनशिप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिक जी, वेरी राइट। आपने हमें बताया शुरू में कि एस्ट्रोलॉजी में लोग पैसे के बारे में इतना नहीं पूछते जितना रिलेशनशिप्स के बारे में पूछते हैं, एंड यू नो बिकॉज आफ्टर ऑल Life is all about the emotions that you experience. अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास लोग खुश हैं. So I believe that if you are healthy, you are happy, by default you will work towards being wealthy. And since I mentioned that I am a financial mentor, so मेरे लिए वो aspect, तीनों aspect बहुत important हो जाते हैं किसी भी इंसान से उनके बारे में, चाहे वो उनके पैसे की investment के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में बात हो. तो ज्यादातर लोग जब astrology कराते हैं, so is it only about relationships or there are concerns on about their job, about their financial status, you know, and what are the main reasons that people normally reach out to an astrologer? One second part is it always when they are in trouble that they reach out, or you would suggest that one should definitely get their Janam Patri read so that you have that GPS with you achieve all that you wish to in your life? You got the point basically, you know, so absolutely right Ekta ji, bahut acha bola aapne, bahut acha question pucha aapne. Dekhiye kya hai ki, I'll answer second question first. Dekhiye bahut important hai, log aate hai takleef ke time mein aate, पर इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट वही है जो अच्छे टाइम में अपनी पत्नी पढ़वा है, ताकि वो उस अच्छे टाइम का भी यूज बहुत अच्छे से कर सके. क्या होता है अच्छे टाइम में हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़े से डर, मतलब यू नो वी जस्ट मे बी वी आर नॉट गिविंग आर 100% इन द थिंग्स. तो जो अच्छे टाइम में अपनी पत्नी रीड करता है एस्ट्रोलॉजी का, जो GPS करता है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट. खराब टाइम में तो सब आएंगे, वो तो अब पड़ गया मुसीबत, पर खराब टाइम से निकलना
फिर वो निकलेगा, टाइम चेंज होगा, उपाय करेगा, रेमेडी करेगा, वो तो एक पैटर्न चला गया, बट उसने अपना अच्छा टाइम यूज किया। तो जब आदमी की लाइफ नॉर्मल चल रही हो, एब्सोल्युटली फाइन चल रहा हो, तो डेफिनेटली विजिट कि भाई सब ठीक ठाक है ना, आगे का क्या है, या और आगे क्या अच्छा कर सकता हूँ इस टाइम में अच्छे। सो मेक यूज ऑफ, मेक द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ योर करंट टाइम, विच इज, इफ इट इज गुड देन डेफिनेटली यू शुड विजिट एन एस्ट्रोलॉजर एंड गेट योर पत्री चेक, गेट योर कुंडली चेक एंड गेट द गाइडेंस कि अच्छा इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, इस टाइम को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ। तो वो इंटेलिजेंट आदमी की पहचान है। ठीक है भाई, दुखी में तो सभी आएंगे, ठीक है, दुख हो रहा है तो सब आएंगे प्रॉब्लम के लिए, तो वो कोई बहुत आते हैं लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, तब भी आते हैं, जी हमें कोई कंसर्न नहीं, बट वी वॉन्ट, मेरे को लगता है ये आदमी इंटेलिजेंट है। तो लोग आते हैं और डेफिनेटली कंसर्न होता है, तो भाई जब पेट में दर्द होता है तभी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, या कुछ लिटिगेशन होता है लॉयर के पास, ऐसे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती हैं सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो हर तरह की प्रॉब्लम लाते हैं एकता जी, फाइनेंस की भी लाते हैं, लाइफ की भी लाते हैं, जॉब नहीं है उसकी भी लाते हैं, रिलेशनशिप की भी लाते हैं। तो मैं कहूँगा प्रॉब्लम जो मोस्ट हर्टिंग होती है ना, वो रिलेशनशिप वाली होती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलती है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगा। तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, फाइनेंस भी आता है, सेकेंड नंबर इज फाइनेंस आई विल से, ठीक है। तो फाइनेंस में भी लोगों का भाई जॉब नहीं है, फाइनेंस गड़बड़ है, कर्जा है, डेट है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं उनको तीन चीज़ें बोलता हूँ, बेसिक चीज़ें बोलता हूँ मैं, इसकी एवरी थिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, इफ द एनर्जी इज इम्बैलेंस यू विल फेस ऑल दिस चैलेंज, प्लानिटरी एनर्जी। तो बैलेंस करने के लिए तीन चीज़ें फाउंडेशन है आपका। क्या तीन चीज़ें? ऐसे देर आर थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी, 6, 8 and 12, 6, 8 and 12, 6,000 एनर्जी, 8,000 एनर्जी एंड 12,000 एनर्जी। Whenever they come together, not alone, together they create problems in the human life. What is six? Six is disease, debt and litigation. बीमारी, कर्जा और मुकदमा, किसी मुकदमे में फंसे, ये सिक्स हाउस की एनर्जी। जब ये 8-12 के साथ आती है, या 12 के साथ आती है, या 8 के साथ आती है, together it creates negative impact. तो क्या होगा? तो डिजीज आ सकती है, डेट आ सकता है, लिटिगेशन। तो क्या करना है इसके लिए? सेवा। सिक्स इज सेवा ऑल्सो, निस्वार्थ सेवा जब आप करते हैं तो डिजीज, डेट और लिटिगेशन से आप दूर रहते हैं, ठीक है। सी यू हैव टू चैनलाइज द एनर्जी, एनर्जी तो आ रही है, तीर आ रहे हैं आपकी तरफ, आप कैसे करेंगे उसको? डिजीज आ रही है, आप सेवा करिए, देखिए आपके डिजीज, डेट और लिटिगेशन में बिल्कुल 100% फायदा होगा, 99 नहीं 100%। फिर 8th house है, 8th house इज ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून। हर काम में ऑब्स्टिकल आ रही है, इंसल्ट मिल रही है, मिसफॉर्चून हो रहा है, काम नहीं बन रहा, धक्का मार के काम हो रहा है। तो 8th house इज पद्म साधना प्राणायाम एज वेल, यू नो, मतलब प्राणायाम, योगा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, मैं आई टीच मेडिटेशन। तो हमारे यहाँ पद्म साधना एक सिखाया जाता है, यूट्यूब में भी है, वो एक सीक्वेंस ऑफ आसना है, नहीं तो योगा, प्राणायाम, 8th house इज दैट ऑल्सो। सो आई यूजली से एकता जी, आइदर यू फेस ऑब्स्टिकल ऑन द योगा मैट और इन योर लाइफ, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो भाई ऑब्स्टिकल योगा मैट पर बिठाना करना, ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है भाई, कौन उठेगा सुबह और ये करेगा वो करेगा, तो भाई वो नहीं झेलोगे तो लाइफ में झेलोगे। और मैंने देखा जो करने लग जाता है ना, जो योगा मैट पे ऑब्स्टिकल झेलने लग जाता है, उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, 20% रह जाती है, जो कहीं 100% थी, 80% थी, 10-20% रहेगा। कर्मा को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, कर्मा का कुछ रहेगा, अभी कर्मा पे बात करते हैं, कर्मा इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। कर्मों का तो सिद्धांत ब्रह्मा जी को भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्रह्मा जी को भी पूरी तरह नहीं पता, उनको तो ऊपर से डाउनलोड हुआ था, उन्होंने सब लिख दिया, इस कर्म का ये, इस कर्म का ये, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे वो लिख दिए। बट कर्मों का सिद्धांत बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मन से कर्म है, तन से कर्म है, हर कर्म का अलग फल है। तो खैर उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सीधी सी बात यह है कि 6, 8 और 12 को बैलेंस करना है। तो 8 houses, पद्म साधना, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब करेंगे तो आपकी ऑब्स्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। 12th house लॉसेस, लॉसेज है, एक्सपेंडिचर है, आउटफ्लो ऑफ मनी है, पैसा टिकता नहीं है, खर्चा हो जाता है, लॉस हो जाता है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, शरीर बीमार है, तो लॉस की एनर्जी, लॉस को क्या करना है? 12th house इज स्पिरिचुअल कोर्सेज ऑल्सो, लाइक हम एडवांस कोर्स बोलते हैं, साइलेंस कोर्स बोलते हैं, वाटर लिंग, या आप आश्रम कहीं किसी एनलाइटन सेंट है, जैसे हमारा आश्रम है बैंगलोर आश्रम, वहाँ कहीं जाते हैं, किसी अच्छी जगह जाते हैं, आश्रम में जाते हैं जहाँ सेवा साधना होती है, जहाँ पर एक यू नो प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है, कुछ अच्छा सीखा जाता है,
आई वुड से कोर्सेज, यू नो, बिकॉज आप कोर्स में जाते हैं तो कुछ दिन बैठते हैं, आनंद मनन करते हैं, कुछ एक डिसिप्लिन 3-4 दिन आपके रहते हैं, तो 12th house वो भी, तो या तो आप कोर्स कर लो, आश्रम में चले जाओ, या फिर वो ही पैसा खर्च हो जाए, लॉसेज में चले जाए, हॉस्पिटल में जाए। हमने कितनी केसेस देखे हैं कि जहां पर आदमी का लग रहा है कि भाई इसका ऑपरेशन होने वाला है, या ये जेल में जाने वाला है, इसका हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है, हमने उनको आश्रम भेज दिया या किसी कोर्स में एडमिशन करा दिया, उसका हॉस्पिटल का भी योग खत्म हो गया, बिकॉज 12th house इज हॉस्पिटल ऑल्सो। वी आर जस्ट चैनलाइजिंग द एनर्जीज, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, सी एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर चैनलाइजिंग। तो जब आप चैनलाइज करते हैं उस एनर्जी को, उस एरिया में रहते हैं, उस एनर्जी फील्ड में रहते हैं, तो एनर्जी आपको नुकसान नहीं। सो दिस इज हाउ यू मैनेज 6, 8, 12 का आपने जो बताया ना, जो दो उनके द नेगेटिव एस्पेक्ट एंड द पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू, आई थिंक अगर सब लोग इस चीज को इंटरनलाइज कर लें तो शायद मनुष्य जीवन की जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो सेल्फ क्रिएटेड हैं, आई थिंक वो सब सॉल्व हो जाएगी। और आई थिंक जो आप कर्मा की बात कर रहे थे, आई थिंक दीज आर द वेज दैट वी क्रिएट आवर ओन कर्मास, बी इट फॉर दिस लाइफ और द नेक्स्ट लाइफ। आई डोंट नो इफ देयर इज अ नेक्स्ट लाइफ, दो मेनी यू नो रिलीजियंस, बी इट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, दे ऑल टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर लाइफ, बट हमने तो आज की जिंदगी देखनी है कि आज हमारा कैसा है, एंड ऑफकोर्स यू नो डू समथिंग गुड। एंड ये जो चीजें आपने बताई कि सेवा कीजिए, साधना कीजिए, योगा कीजिए, यू नो, सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज गुड थॉट्स, गुड डीड्स, गुड वर्ड्स, गुड एक्शन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई डोंट थिंक दिस कॉस्ट्स एनीथिंग टू एनीवन, एंड इट बेनिफिट्स सो मेनी ऑफ अस। यस, आई थिंक दैट वो एक जो गुरु मंत्र आज आपने आई थिंक सबको दिया है ना, कि कैसे अपने 6th, 8th, and 12th house की एनर्जीज को बैलेंस करना, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग टेक अवे, at least for me, from this conversation of ours today. आप कर्मा के बारे में बात कर रहे थे, कुछ इसके बारे में बताइए। कर्मा, देखिए कर्मा ऐसा है कि whatever we see in the पत्री is actually karma, ठीक है, वो timelines भी आती है। और शनि जो है कर्मा के, ज्योतिष में बात की जाए तो शनि जो है कर्मा को गवर्न करते हैं, ठीक है, ठीक है, चित्रगुप्त जी जो ऊपर नोट किए जा रहे हैं, बट शनि जैसे 7.5 आती है, लोग बड़े घबराते हैं 7.5 से, राइट, कि भाई साटन आ गया 7.5, शनि जो है वो कर्मा के लिए माना जाता है, कि अगर आपके खराब कर्म हैं तो शनि अपनी 7.5 में पूरे आपको हिसाब बराबर करेगा, ठीक है, तो वो अच्छा भी है क्योंकि आपके जो भी नेगेटिव कर्म है वो निकल गए। दूसरा, शनि जो है आपको बहुत देता है, ऐसा नहीं कि 7.5 हमेशा खराब होती है। मैं कहता हूँ अंबानी बने 7.5 में, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 7.5 में आदमी बहुत राइज भी करता है, बहुत राइज करता है, बहुत नाम प्रख्यात, उन्नति, पैसा, सब तरह से राइज करता है, सब तरह के, और 7.5 में एकदम मिजरेबल भी जाता है। तो इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, यू बी हैप्पी, ठीक है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपने बोला ना अभी इस लाइफ, आगे पीछे की लाइफ तो होती है, चलो पास्ट लाइफ होगी, आगे फ्यूचर लाइफ होगी, बट वी हैव टू बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट लाइफ, अभी क्या चल रहा है। तो शनि जो है जज है, शनि कर्मों को देखते हैं, कर्मों का फल देते हैं, और शनि जो कहते हैं ना, शनि किससे खुश होते हैं, शनि तेल डालने से नहीं खुश होते कि आप शनिवार में जाके तेल डाल दिया सो जी शनि खुश हो जाए, नहीं, ठीक है आप डालिए, आपकी श्रद्धा है, मेरी तरफ से मना नहीं है, पर अगर शनि को सही में खुश करना है तो बी ट्रुथफुल, ठीक है, बी ट्रुथफुल, बी काइंड, भाई लोअर क्लास है, कोई भी क्लास है, टू एवरीबडी, टू योर पेरेंट्स, टू योर चिल्ड्रंस, टू योर नेबर्स, टू योर सोसाइटी, बी काइंड, ठीक है, बी कंपैशनेट, ठीक है, और क्या, और साधना, योगा, प्राणायाम, शनि इनसे खुश होते हैं। सो इफ यू आर कंपैशनेट, इफ यू आर काइंड, इफ यू आर डूइंग योर साधना, शनि विल बी हैप्पी। आपको कहीं मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप जाएं, अच्छा आपकी श्रद्धा जाएं, पर वो तेल डालने से बात नहीं बनेगी। आप सालों से तेल डाल रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ 6 हफ्ते ये कर लीजिए, आपको देखिए खुद में बहुत चेंज नजर आ जाएगा। और हमने देखा है, देखिए मेरे पास ऐसा है एकता जी, मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज है, यू नो, तो वी डू ऑल द केस स्टडीज, वी डू ऑल इन डेप्थ रिसर्च कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये चेंज कैसे हुए, कैसे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हो। और कर्म की गति तो बड़ी न्यारी है, कर्म की गति बड़ी न्यारी, पर उस पर भी
गुरु कृपा पड़ी भारी, ठीक है। कर्म कैसा भी हो, ऊपर नीचे, जब आप गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु आपके कर्मों से आपको आपका उद्धार कर देते, उद्धार कर देते हैं। तो कुछ भी हो, खराब चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो अपनी लाइफ में, देखिए बिना गुरु के गति नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो आपके अगर लाइफ में कोई सच्चे गुरु है, ठीक है, और गुरु हम चूज करने से नहीं बनाते, मैं सोचू कि आज मैं उनको गुरु बना लू, नहीं, गुरु चूजेस द शिष्य, गुरु शिष्य को चूज करते हैं। बट हाँ, अगर आपके मन में इंटेंशन रहेगी तो कभी ना कभी जरूर गुरु मिल जाएंगे। और जब गुरु मिलेंगे तो आपको अपने कर्मों से, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी एनलाइटन पुरुष को मिलते हैं ना एकता जी, तो अंदर से अपने आप ही हल्का मिलता, हमने कुछ नहीं किया, हमने बात भी नहीं की, हमने कुछ भी नहीं बोला, देखा भी मतलब हमने देखा बस उनको, और बस क्या उनके प्रेजेंस में रहे, अपने आप इतना लाइट फील हो जाता है। तो वो कहा जाता है असली गुरु की वही पहचान है। You feel so light. That why you feel silent? Because negative karma burns away. And there is only two remedies in the universe. There are only two remedies in the universe which can burn the karmic seed. क्या है? जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए एक तो है गुरु कृपा, गुरु कृपा, और दूसरा है meditation, deep long meditation. गुरु कृपा कैसे मिलती है? गुरु कृपा किसी एनलाइटन पर्सन का दर्शन करने से, मतलब गुरु का दर्शन करने से, किसी कोई भी अच्छे गुरु हो गए, कुछ अच्छे संत हो गए, उनका दर्शन करने से कृपा मिलती है, ग्रेस मिलता है। दूसरा गुरु भक्ति, मतलब जो गुरु बोले वो फॉलो करो, कोई उनके वचनों में गए, आपने सब सुना पर उसके बाद अपनी मनमानी करने लगे तो कैसे चलेगा? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपल आते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, उनके चार्ट में भी दिख रहा होता है कि लड़ाई झगड़ा, तो हम बोलते हैं भाई तुम लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहे हो, तो हंसते हैं जी आपको कैसे पता, तो वो तो चार्ट में दिख ही रहा है, उसमें क्या बताना, ठीक है। तो हम बोलते हैं देखो गुरुदेव ने क्या बोला है कि पिंग पोंग गेम नहीं खेलना। क्या है पिंग पोंग गेम? कि भाई जब किसी ने एक ने आर्ग्यूमेंट कला, बॉल फेंकी, तो आप उस बॉल को छोड़ दो, आप वापस आर्ग्यूमेंट मत करो, ठीक है। तो आपने वो बॉल छोड़ दी तो गेम वहीं खत्म हो गया। अगर आप खेलते रहे उस बॉल को, फिर फेंकी, फिर उसने फेंकी, फिर उसने, मतलब आपने कॉन्टिन्यूस आर्ग्यूमेंट करते रहे तो वो पिंग पॉन्ग गेम हो गया, तो वो नहीं खेलने को लगे। तो आप गुरु भक्त, आप ये फॉलो करो, देखो आपकी लाइफ, और सही में मैंने देखा लोगों की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो आप एक भी वाक्य अगर पकड़ लेते हो ना किसी गुरु का जो आपको बॉदर करता है लाइफ में, और उस पर चलते हो, तो कर्मा की गति चेंज हो जाती है। मैंने देखा है आपका चार्ट कुछ और बोलता है पर आपकी लाइफ में कुछ और होता है, 180 degree, 360 degree पूरा चेंज हो जाता है चार्ट। आप गुरु के वाक्य पे चलते हो, दर्शन करते हो और ध्यान करते हो। हमारे एक साइलेंस कोर्स होता है एकता जी, 3 दिन का 4 दिन का साइलेंस कोर्स होता है, जिसमें बहुत डीप में ध्यान में जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स होता है। और मैंने देखा है लोग बिल्कुल रिजोनेट, एकदम न्यू, जैसे बॉर्न होते हैं ना वैसे होके आते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा ध्यान और गुरु भक्ति ही आपके कर्मों को चेंज कर सकता है, गुरु कृपा ही चेंज कर सकती है, गुरु कृपा ही कर्मों की गति में भारी है। बाकी तो कर्मों को सबको फेस करना पड़ता है, उसके से तो ना भगवान बच पाए ना कोई जीव बच पाया, सबको जब आया तो उन्होंने कर्म ने पकड़ ही लिया। तो गुरु कृपा ही एक सूत्र है, बिल्कुल सही का। और जो आपने वो सार सत्य की बात की कि उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि अगर किसी के ऊपर शनि की महादशा है तो बस सब काम आपके बिगड़ने ही वाले हैं। तो वही बात आ जाती है कि आई थिंक वन इज लैक ऑफ नॉलेज, सेकंड इज द फियर दैट इज इनकल्केटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू इनकल्केट दैट फियर, तो वो नहीं होना चाहिए। आखिरी के कुछ एक आध सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के बारे में बात की, रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, आप समाचार 24+ और रिचिज्म के साथ जुड़े हुए हैं काफी अरसे से, जी, तो आपका जुड़ने का कारण इन दोनों एंटिटीज के साथ क्या रहा और कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत ही क्लोज है मेरे से। और देखिए समाचार 24 विकास जी और हनी सहगल जी, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ आर्स, ठीक है, बहुत ही क्लोज हैं, और दोनों ही बहुत ही आर्ट से, दे आर डायमंड, यू नो दे आर डायमंड एंड दे विल शाइन वेरी ब्राइट, आई टेल यू। मैं आपको अभी यही भविष्यवाणी करता हूँ कि इनका नाम ऐसे चमकेगा जो आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में इतना चमकेंगे, बहुत राइज करेंगे।
बिकॉज दे हैव क्यों, क्योंकि एक तो ना इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, ये लोगों का हमेशा भला चाहते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जो जो जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे इवेंट्स होते हैं उसमें डिसेबल्ड लोग हैं या जो लोअर तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, सच बात आगे रखते हैं, जो सच्चे है उसको आगे रखते हैं, और उनका जो वर्क स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, दैट इज वेरी वेरी गुड. सो आई एम श्योर दे विल ग्रो वेरी हाई, एंड मुझे तो पता है, खैर सारी चीजें मैंने देखी है उनकी, तो बहुत आगे बढ़ेंगे, और दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. आई थिंक वर्किंग विद देम इज अ ग्रेट प्लेजर. ठीक है, तो मैं उन समाचार 24+ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने ये सब कर रहे हैं, और आगे आप भी देखिए उनसे जुड़े हुए हैं, और ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत राइज करेंगे. ठीक है, जहां तक बात है रिचेज एम की, रिचेज एम हेल्थ केयर, आशीष जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, वी वर टुगेदर लॉन्ग बैक एंड स्टडी टुगेदर, राइट. और इनका जो रिचेज एम का जो विजन है दैट इज अमेजिंग, मतलब ये कंपनी आगे जाके करोड़ों की बनने वाली है. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल कंपनी, इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड कंपनी. ठीक है, तो जो भी लोग एसोसिएटेड रहेंगे, देखिए आशीष जी ने पिछले एक साल में इतना फिनोमिनल काम किया है, लाइक फ्रॉम मैं अपना जैसे कोर्स सिखाता हूँ तो मैं बोलता हूँ जीरो से हीरो, तो उन्होंने सही में अपनी कंपनी में भी वही इंप्लीमेंट किया, एकदम जीरो से एकदम हीरो बन गए, मतलब एकदम जो कुछ भी नहीं था वहां से इतनी करोड़ों का कर लिया उन्होंने काम, और आगे करोड़ों करोड़ों का करेंगे मैं तो कहता हूँ. ठीक है, तो इनका और इनका ब्यूटी क्या है, इनका यूनिक पॉइंट क्या है, एक तो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, बहुत वेराइटीज है इनके प्रोडक्ट्स में, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये बहुत अच्छे से इनके सिस्टम में जुड़ा हुआ है. तो जब बंदा जब ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से करता है, कोई गलत काम नहीं करता, इंटेंशंस अच्छी होती है, तो आदमी ग्रो करता है. एंड आशीष अग्रवाल इज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मतलब इज ए ब्यूटीफुल सोल, आई वुड से इज ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी जेंटल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. तो देखिए मेरे लिए उनकी रिचेज एम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स हैं दोनों कंपनियों के लिए, समाचार 24+ और रिचेज एम की, ये आगे बढ़ेंगे, ऐसी भी मेरी प्रेडिक्शन है कि आगे बहुत बढ़ेंगे और बहुत राइज करेंगे. दोनों की तरफ से, हनी विकास और आशीष जी की तरफ से, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई एम श्योर जब हनी और विकास और आशीष जी ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो आपके लिए पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी की भविष्यवाणी कि ऑल थ्री ऑफ यू आर गोइंग टू एक्सेल, एंड वी ऑल्सो फील द सेम दैट आप तीनों बहुत अच्छा करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, कर भी रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इन तीनों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, और समाचार 24+ की तो मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ, आशीष जी के साथ भी कई काम किए हैं. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आई थिंक द ऑनेस्टी, द इंटेग्रिटी, द वैल्यू सिस्टम जहाँ पे इंटैक्ट होता है, सक्सेस डेफिनेटली रीचेस देम वेरी इजीली. तो जाते जाते दो चीजें, एक आपसे सवाल पूछूंगी और एक कुछ कहना चाहूंगी. तो पहले आपसे सवाल पूछ लेती हूँ. आप जितने भी हमारे समाचार 24+ के दर्शक हैं, उनसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाचार 24+ के व्यूअर्स से कहूंगा कि अपनी लाइफ में, जो कि मैंने पहले भी बोला, कि सेवा, साधना और सत्संग का, सत्संग को इंक्लूड करिए. ठीक है, उसको बढ़ाइए अपनी लाइफ में. आप बढ़ाएंगे तो अपनी लाइफ में खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे. ठीक है भाई, अगर आपको, आप किसी भी जगह से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए किसी संस्था से, किसी योग से, कहीं से भी जुड़े हुए जुड़े रहिए, पर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स जरूर करिए. ठीक है, वो आपको इन तीनों चीजों की तरफ ले जाएगी, सेवा, साधना और सत्संग. ठीक है, तो ये करेंगे. और दूसरा देखिए, डेली अगर साधना करेंगे ना, दो चीजें आपका लक बढ़ाती हैं. क्या? एक तो डेली मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके ना, ध्यान जरूर करिए. कुछ भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय प्ले कर दीजिए और ध्यान करिए. ठीक है, ध्यान आपका लक बढ़ाता है. दूसरा, आप सबके लिए कंपैशनेट रहिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में कोई हो, चाहे बाहर के कोई हो. Be kind, be compassionate. That will also increase your luck.
Wonderful. साधना कीजिए, ध्यान कीजिए और be compassionate, have empathy towards people, and see how beautifully your life will transform. And if I may add, hard work मत भूलिए. Yes, absolutely. वो तो बिल्कुल, वो तो key है. उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा. बिल्कुल. तो जाते जाते आपको और सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ जो हमें देखेंगे, और आप जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमसे आज बातचीत की और हमें इतना कुछ बताया नारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लाइफ के बारे में, कि कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल कर सकते हैं बाय डूइंग सिंपल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो शायद जिसके बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, और फिर हम कोसते हैं हमारी डेस्टिनी को, क्योंकि हम सिर्फ कोसना जानते हैं. यू नो द ह्यूमन नेचर बिकम्स अ इज वेरी इज फुल ऑफ वाइनिंग, क्रिप करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर डेस्टिनी को बदलना हमारे हाथ में है. काफी हद तक वो फ्री विल भगवान जी ने हमें दी है, और वो फ्री विल जो है हमारी हार्डवर्क और इन सारी छोटी छोटी चीजों को करके ही हासिल हो सकती है. तो आपकी अगर अनुमति हो, जाते जाते कुछ लाइन्स पढ़ना चाहूंगी जी, जो मुझे हार्डवर्क डेस्टिनी के बारे में और जो थोड़ा एक्सपीरियंस रहा एस्ट्रोलॉजी के बारे में. सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स इन इंग्लिश, आई एम गोना रीड दिस. इन द मिडल ऑफ द नाइट, अंडर अ स्टारी नाइट, वॉकिंग थ्रू द ट्रीज, अ टैप केम ऑन माई शोल्डर, टर्नड अराउंड टू फाइंड डेस्टिनी. Destiny in the form of astrology, you know, the ones who try to make you feel fearful. She said, I made you. I took you places. I didn't let you falter. I was your altar. I created fear. I made it clear. I'm above all. All I said to destiny, using my free will, look there, meet hard work. Hard work did all the work. Hard work helped me find an alternate. Hard work helped me change you, my destiny, my stars. जैसा कि पंडित जी ने कहा कि आप साधना कीजिए, गुरु कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर, आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं. How come you claim you made me and many others? Destiny, learn some modesty. Hard work without you means nothing. Similarly, without you, hard work may not mean anything. Isn't that a reality for all of us to actually know? Wow, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एकता जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला. Absolutely, without hard work or without ये नहीं हो सकता. बिल्कुल. और बिना गुरु कृपा के तो हो ही नहीं सकता. और मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा. जी. देखिए. सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना चाहे. क्या बात है. तो बस मैं कहूंगा, हार्ड वर्क करिए, सब कुछ करिए, यू नो, कंपैशनेट करिए, काइंड रहिए, बट गुरु की कृपा में जरूर रहिए, क्योंकि तो गुरु की कृपा जो है ना, उसमें आपके सारे काम बन जाते हैं. बिल्कुल. तो ये करते रहो, और गुरु बोलते हैं कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और बाकी तो मुझ पे छोड़ दो, रिजल्ट तो मैं दूंगा, ठीक है, रिजल्ट तो डिवाइन देंगे. बिल्कुल सही कहा आपने. और सारांश में आज की बातचीत का निष्कर्ष आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि हम जब भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपना रुख बदलते हैं तो किसी परेशानी का आप इंतजार मत कीजिए. अगर आप अपनी जिंदगी का वो GPS जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की मदद लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं. और बहुत जरूरी यह है कि आप एक सही गुरु से मिलें जो आपको गाइड कर सकते हैं और जो आपको उसका महत्व समझा सकें और आपके अंदर वो डर या भय ना क्रिएट करें जिसकी वजह से आप शायद उस पर विश्वास करना छोड़ दें. तो हम यही चाहेंगे कि आप इस साइंस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च होता है. इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन दैट कम्स फ्रॉम थिन एयर. बहुत एनालिसिस होता है, बहुत
डीप स्टडी होती है इस चीज की, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस हमें करना है, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने गुरु पे विश्वास रखें और उनकी कही बातों पे अमल करें, योग करें, साधना करें, और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखें, कंपैशन हो, एम्पैथी हो, तो शायद हम सबका उद्धार होगा. वी विल बी एबल टू फाइट एनी काइंड ऑफ बैटल इन आवर लाइफ. एंड पंडित जी, आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला और कई चीजें एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझ आई जो शायद अभी तक नहीं पता था. तो मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और पूरी समाचार 24 प्लस की टीम की तरफ से आपका दिल से आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी भविष्यवाणी होंगी वो सही हो, और सबका मार्गदर्शन आप ऐसे ही करते रहे जैसे आप कर रहे हैं. आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, कई ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जिससे देयर हैज बीन अ ह्यूज इंपैक्ट इन द लाइफ ऑफ मेनी पीपल हु आर देयर इन द पब्लिक डोमेन एंड हु आर डूइंग सो मच फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड. बिकॉज पंडित जी सिर्फ इंडिया में नहीं सिखाते, सिर्फ इंडिया में ही लोगों की मदद नहीं करते हैं, बट ही इज बीन डूइंग दिस वर्ल्ड ओवर फॉर द लास्ट 26 ईयर्स. थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू. थैंक यू सो मच. Great pleasure, great pleasure. And best of luck and blessings to the Samachar 24 team in Riches Healthcare. Thank you so much. Thank you so much. To sabhi darshakon, hamare saath aise hi jude rahiye. Hum aapko aisi aisi shaksiyat se milwate rahenge jo sirf apni hi zindagi mein nahi balki bahuton ki zindagi mein ek impact lane ki koshish kar rahe hain, apne knowledge, apne experience, apne passion ke zariye sabki madad karna chahte hain aur ek aisi दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं विच इज फुल ऑफ लव, कंपैशन एंड एम्पैथी. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन. दिस इज एकता सेगल, सीनियर एंकर, समाचार 24 प्लस. बाय बाय फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एकता जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.